Good morning, friends. Have a nice day. Welcome back to our channel. आज हमने गुड मॉर्निंग काफी दिन बाद की है. मौसम का सर है, थोड़ा मौसम अच्छा है तो मूड भी अच्छा है. अरे ये तो सारी खुल रहा है, बाहर की आवाज आ रही है. मुझे भी गुड मॉर्निंग करनी है. चलो गुड मॉर्निंग करो. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आवाज में थोड़ी सी तेजी लाया करें, जरा एक्साइटमेंट दिखे व्यूअर्स को. आवाज डाउन है भाई, जोर से बोलो ना. आवाज पहुंचती है आवाज. ये बंदा जो है, ये देखो खोल रखी है खिड़की और ये एसी नहीं चलाई जा रही है. मौसम इतना हसीन है तो फिर क्यों एसी चलाए? ठंडक बचत कर रहे हैं. ये देखो बचत करना इन्होंने यहाँ से शुरू करी है. बताओ एसी की बात ही अलग, एसी चला दो. बचत जरूरी है भाई, जरूरी है. मेरे को गर्मी लग रही है, जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के आओ भागते हुए. जल्दी 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 जल्दी, लेट ना हो जाए. अभी बज रहा है 7:30 और 8 बजे का हम लोग का स्कूल है. पहुंच जाएंगे आज, आधा घंटा लगेगा इनको वहां तक पहुंचने में. हमें तो 10 मिनट ही लगेंगे, हम टाइम से पहले पहुंच जाएंगे. और स्कूल जाके बताएंगे क्या हो रहा है. झंडा गेम वगैरह चल रहा है आजकल, वो दिखाना है हमें बच्चों का. तो आप बनी रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे आने वाली मिला और देते रहे अपना प्यार और हमारा दुलार. और सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक कमेंट करें. ठीक है, अच्छा अच्छा मौसम है, चलो दिखाते हैं. क्लाउडी सब कुछ अच्छी है, सब भाग रहे हैं. बारिश होती है इस टाइम सुबह, कल तो बहुत तेज थी बारिश सुबह. जाते में हो सकता है आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही हो क्योंकि खिड़की खुली है. कोई बात नहीं, बात तो बना दिया. बचत सब मनाया जा रहा है. उनको सब इकट्ठा करके विद्युत विभाग के लोग आए हैं नेडा के और वो एक गोष्ठी करा रहे हैं. बच्चों को बताया जा रहा है कि हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए स्कूल पर. कई बच्चों ने इसमें अपने भाषा प्रतियोगिता के जरिए बहुत अच्छा बोला और बताया. सारे बच्चों को समझाया जा रहा है कि हमें किस तरह से विद्युत ऊर्जा बचानी है. काफी लोग बैठे हैं, 20 साल का इंतजार हो रहा है. बच्चे सब मैंने जो अपनी झलकियाँ दिखाई जल्दी से आपको प्रोग्राम दिखाते हैं. तो ये हमारे स्कूल में ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, बच्चों को बताने के लिए. अरे जी बहन कितनी गंदी हो गई, देखो क्या करती रहती है. इसका बच्चा भी देखो कितना गंदा हो गया. वो याद आया साइकिल को भी धुलना है. ये गली देखो कितनी गंदी पड़ी है, इसको भी धुल. भैया जी भैंस को बांधो. ठीक है. ऊर्जा भी वेस्ट हो रही है, बिजली की बहुत वेस्ट हो रही है. क्या आप इस पानी को दोबारा बना सकते हो? उनसे पूछो पानी की कीमत. जिनके गांव में पानी नहीं है वो बहुत दूर दूर से पानी लेके आते हैं और पानी की कर रही हो बर्बादी. वो तो कर ही रही हो, बिजली की भी बर्बादी हो रही है. ये देखो गली थोड़ी ही तो गंदी थी, झाड़ू से साफ कर दी थी. तुमने क्या किया, पाइप लगाया और डायरेक्ट इसको पानी से कर दिया. पानी भी बर्बाद और बिजली भी. ये देखो भैंस को डायरेक्ट नहला रहे हो पाइप से. ड्रम या टप भर लेते उससे नहला देते आप. और साइकिल को भी यही किया आपने, आंदा से ये गलती नहीं करनी है. और आप लोगों को भी बिजली बचानी है.
हाय गाइस, तो हम स्कूल से आके थोड़ा सा लेटे भी नहीं और पता चला हमारे भतीजे का है बर्थडे, तो फोन आया तो हमें घर आना पड़ा। मायके में आ गए हम अपने घर पे, देखो अम्मी के यहाँ। अस्सलाम वालेकुम बोलो। वालेकुम अस्सलाम। ये रही हमारी अम्मी और आयजा। आयजा आओ आओ, मिलो सबको सलाम करो। ये हमारी भतीजी है आयजा, सलाम करो। जोर से बोलो अस्सलाम वालेकुम। अभी आए लाते हैं तो हम बताएंगे। और कैब भाई के लिए देखो लग गया दस्ता। इंस्टा पे इनको देख लो क्या है, इनकी रील चल रही है बढ़िया सी। अरे भाई जी आ गई, देखो लगा रहे आज दस्ता का नहीं लगा हुआ ऐसा। सब लोग बोल रहे थे लड़की तो बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी दस्तरखान लगाती है। पर आपने दस्तरखान लगाया था। बुला लो आइल भाई को, बुला लो। अभी केक कटेगा उनका। हाँ सामान लगा दो। फराज उधर पढ़ रहे हैं सामने किचन में, उनकी मम्मी काम कर रही है। फराज का पेपर है इसलिए। फराज इधर लाओ। खाना खा लिया आपने? खाना खा लिया? ये आ गए फराज, व्लॉग बना रहे हैं। क्या वो फैस का वो कहाँ चला गया? अरे भाई आहिल कहाँ गया? आपने क्या मंगवाया था? अच्छा हाँ हाँ हाँ, जीरा मंगवाया था जी। आयजा देखो कितनी हेल्प करती है अपनी मम्मी की, दस्तरखान लगाती है छोटी सी लड़की। क्यूट क्यूट गर्ल। आ गए ये आ गई हमारी जीरा। आयल हैप्पी बर्थडे। आयल हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये आए फैज और ये आयल। अभी इनका केक कटेगा तब हम आप लोगों को दिखाएंगे। अब ये लोग अपने लिए भी कुछ चटर पटर ले आए। सबर की इंतहा हो गई आयजा के, सबर की इंतहा। आए दो ना आयजा, केक कट होता है फिर बच्चों की खुशी। ये लो भाई का, हम भी खिला दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो गया भाई तो गाइस आ गए हम अपने घर से और हम ये वाला व्लॉग अब यही एंड करते हैं। बस इसी कमरे में आके एंड करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रोशनी है इसलिए थोड़ा अच्छी सी पिक्चर बन जाएगी। यही एक मतलब रहता है ना, अच्छा अच्छा सा क्वालिटी दें आपको। आईफोन तो है नहीं तो इसी से काम चला रहे हैं। तो बर्थडे हो गई है, अचानक सुबह फ़ोन आया, मैं उसकी बर्थडे भूल गई थी भतीजे की, लेकिन जाके बस बर्थडे सेलिब्रेट ऐसी घर घर में हो गया। बच्चों की जो खुशी होती केक कट गया और हम लोग पहुंच गए उसको बस मना के बर्थडे। घर वापस आ गए क्योंकि स्कूल सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता, मतलब उठना पड़ता है स्कूल की तैयारी के लिए। तो हमें बहुत ज़ोर से नींद आ रही इस टाइम, बजने जा रहा है 10:30। अभी हमें इशा की नमाज पढ़ना है और बस जल्दी से जाना है, फिर सुबह से फिर तैयारी करेंगे और आपको देते रहेंगे ये अपने यही व्लॉग दिखाते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए। बाय।